Open YouTube, play Invention Destroy video. Got it. Here's Invention Destroy videos on YouTube. क्या फेंकता है यार तू? टीवी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जिसे हम 5 या 10 साल में एक बार खरीदते हैं, और अगर अच्छा ना खरीदे तो घर वाले से भी सुनना पड़ता है और अंदर से भी मन कलपता है जब अच्छा क्वालिटी ना दिखे ना टीवी में। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये था, टीवी आप बहुत समय बाद खरीदते हो या आपका फर्स्ट टाइम हो सकता है, तो एक अच्छा टीवी सिलेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। बट एक अफोर्डेबल प्राइस पे प्रीमियम टीवी मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। बजट वाले टीवी आपको बहुत मिल जाएंगे जिसमें आपको तरह तरह के फीचर देखने मिलते हैं, लेकिन एक अच्छा टीवी ढूंढना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप ऑफलाइन जाओगे तो बहुत दुकानदार आपको बहुत अलग अलग चीज़ समझा देंगे, सेम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाओगे तो यहाँ पर भी आपको सेम बजट में बहुत अलग अलग टीवी देखने को मिलेंगे, वहाँ पर भी कन्फ्यूज हो जाओगे। और ऐसे भी दिवाली और सीजन आने वाले आपको पता ही है, चलो एक अच्छा टीवी ढूंढते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं गूगल पे गया एंड यहाँ पे सर्च किया टीवी अंडर 30,000। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे टीवी आ रहे हैं, बट किसी का प्राइस 30,000 से ऊपर है, किसी का 35,000 है। एंड यहाँ पे जो हमें क्वालिटी चाहिए, जो फीचर चाहिए, वो इस समय हमें देखने को नहीं मिल रहा है। थोड़ा और स्क्रॉल डाउन किया तो और भी टेलीविजन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, बट ये फुल HD आ रहा है, कोई कोई LED आ रहा है। तो गाइस बेसिकली हमें लेना है एक 4K टीवी एंड एक अच्छा क्वालिटी वाला पैनल चाहिए, ताकि जब मूवी और क्रिकेट की बात हो तो मजा आ जाए, ऐसा टीवी चाहिए मुझे। तो बहुत रिसर्च करने के बाद मैं पहुंचा अपने मुकाम पे एंड मुझे यहाँ पे दिखा एसर का एक 43 इंच का 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट गूगल टीवी, जो लिटरली यहाँ पे दिखने में काफी अच्छा लग रहा था और फीचर में कोई कमी नहीं था। यहाँ पे मस्त सारे फीचर थे, डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस हो गया, और प्राइस भी यहाँ पे काफी सही था, 26,999। एक अफोर्डेबल प्राइस पे आपको प्रीमियम चीज देखने को मिल रहा है। तो गाइस हमने इसे ही मंगवा लिया क्योंकि दिखने में काफी अच्छा था और अच्छा लग रहा था, तो चलो इसे ही मंगवाते हैं। अब डब्बा इतना बड़ा है तो इसके अंदर कुछ सामान सब एक्स्ट्रा भी देखने को मिलेगा ऑफ कोर्स। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे रखा गया है हमारा रिमोट है, इसके बाद कुछ केबल वगैरह है, इसके बाद यहाँ पे स्टैंड है, यहाँ पे एक रेड कलर का कुछ तो दिख रहा है, ओके एक और स्टैंड है। अब आप इतना बड़ा आइटम ऑर्डर करते हो, पैकिंग का ध्यान तो अच्छे से रखना बहुत जरूरी है ना, और खासकर इस तरह के ग्लास वाले आइटम जिसमें LED TV हो गया, AC हो गया, फ्रिज हो गया, तो इसका पैकिंग अच्छा होना चाहिए। तो देख सकते हो पैकिंग काफ़ी सही किया गया है इसका। टीवी के बारे में जो मेन एस्पेक्ट्स है यहाँ पे मेंशन किया गया है, फिलहाल इसे हटा देते हैं, इस पे तो आएंगे ही हम बढ़िया से। फाइनली गाइस हमारा टीवी टेबल पे सेट हो चुका है। सबसे पहले इसके लुक पे नजर डालो, फिर आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके बिल्ड और डिजाइन से। तो सबसे पहले टीवी को सामने से जब आप देखोगे तो काफी नैरो सा बेजल आपको दिखाई देगा, इससे आपका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा। जब भी आप मूवी वगैरह देखोगे तो वो काफी अच्छा लगेगा। इसके बाद यहाँ पे जो इसका डिजाइन बनाया गया ये काफी स्लिम सा है, एंड यहाँ पर नीचे तरफ एसर का ब्रांडिंग किया गया है, डॉल्बी विजन एटमॉस यहाँ पे लिखा गया है, एंड यहाँ पे जो कलर वगैरह ये भी काफी प्रीमियम सा लग रहा है जैसे आप देख सकते हो। इसके बाद जब हम आते हैं बैक साइड में, यहाँ पॉलीकार्बोनेट बॉडी का यूज किया गया है जो कि काफी अच्छा दिखता है, एंड काफी स्टडी सा मटेरियल यूज किया गया है, तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में दिक्कत नहीं है, काफी सेफ है। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स एंड बटन है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे USB 2.0, एक यहाँ पे USB 3.0 दिया गया है जो काफी अच्छी बात है, एक यहाँ पे लैन के लिए दिया गया है, एंड यहाँ पे एंटीना केबल के लिए भी एक यहाँ पोर्ट है जो कि काफी अच्छी बात है। साथ में एक ऑप्टिकल पोर्ट्स हो गया, HDMI 1, HDMI 2 और HDMI 3। साथ में यहाँ पे एक ऑक्स पोर्ट है जिससे आप होम थिएटर हो गया, हेडफोन हो गया, या जो भी ऑडियो डिवाइस आप इसमें लगाना चाहते हो आप लगाकर यूज कर सकते हो। इसके बाद AV इन का भी दिया गया है। दूसरी तरफ से एक पावर कोड है जिसे आप यूज करके टीवी को ऑन कर सकते हो। एंड यहाँ पे स्पीकर ग्रिल आपको 4 देखने को मिलते हैं, 2 ऊपर की तरफ है और 2 नीचे तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड बैक साइड से भी काफी मिनिमल सा डिजाइन दिखता है, ज्यादा हेवी आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि काफी अच्छा लुक इसे दे देता है। तो भाई हमने देख लिया है बिल्ड क्वालिटी कैसा है, डिजाइन कैसा है, एंड ओवरऑल यहाँ पे पोर्ट्स वगैरह भी काफी अच्छे थे। बट अब फोकस करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले पे, जो कि एक टीवी का सबसे बड़ा USP होता है। तो सबसे पहले जो इसका स्क्रीन साइज है 43 इंच का है, और इसका जो पैनल है QLED पैनल के साथ आता है। QLED काफी बेटर होता है एज कम्पेयर टू LED। इसमें आपको डॉल्बी विजन हो गया, HDR10 हो गया, HLG हो गया और MEMC आपको देखने मिल जाता है। तो ये तो हो गए इसका स्पेक्स। अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताता हूँ। तो देखो जब भी आप मूवी वगैरह देखोगे तो आपको क्वालिटी काफी अच्छा देखने मिलेगा। ब्लैक जो होता है ये बहुत ही हद तक ब्लैक आपको दिखाई देगा, तो आपका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो काफी नेचुरल सा कलर आपको दिखाई देगा,
तो बूस्टेड कलर से बेटर होता है कि आप नेचुरल कलर देखो। अब ऐसा ना हो कि हरा है तो एकदम हरा हरा दिखाई दे रहा है तो काफी बेकार सा लगता है। इसके अलावा यहाँ पे डिटेल्स वगैरह आप देख सकते हो काफी अच्छा है, साथ में रेजोल्यूशन अच्छा होने की वजह से यहाँ पे क्वालिटी काफी अच्छा आ रहा है। मस्त यहाँ 4K वीडियो वगैरह देख रहे हो तो आपको काफी अच्छा देखने मिलेगा। अब चलो यहाँ पे नेटफ्लिक्स पे मूवी ऑन करते हैं एंड देखते हैं किस तरह से दिखाई देता है सारा चीज। तो यहाँ पे देख सकते हो काफी अच्छा क्वालिटी आ रहा है, देखने में तो मजा आ जाएगा एक वर्ड में आपको बताऊं तो यहाँ पे जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा ये काफी सही होने वाला है। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको और एक्स्ट्रा देखने मिलता है MEMC। अब इसका मोटा मोटा मतलब ये होता है कि जो भी मोशन वाले पिक्चर होते हैं जिसमें एक्शन हो रहा है तो आपको क्लियर दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि मोशन ब्लर हो गया है तो आपको एक्शन क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, या जब भी आप गेम वगैरह खेलोगे इसमें कंसोल ऐड करके तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे काफी अच्छा रहने वाला है। अब देखो वीडियो क्वालिटी तो मस्त है, अब थोड़ा नजर डालती है इसके ऑडियो वाले चीज पे। तो देखो यहाँ पे 30 वाट का स्पीकर इनबिल्ट है, तो यहाँ पे साउंड एक बार आप सुनो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका साउंड कैसा है। अब देखो यहाँ पे आपने ऑडियो सुन लिया है, काफी अच्छा है, आई नो मैंने खुद फील किया, मुझे काफी अच्छा लगा है। तो आपका वीडियो और ऑडियो एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहने वाला है, तो फुल एक वर्ड में आपको बताऊं तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस मस्त एकदम झकास। अब बात आती है OS के बारे में, तो ये गूगल TV है, तो यहाँ पे आप एक्सपीरियंस देख सकते हो काफी सीमलेस रहेगा, कहीं पे भी आपको लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, काफी अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है। अब इसके साथ जो रिमोट आता है ये भी काफी अच्छे तरीके से काम करता है, यहाँ पे डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट का बटन है, डायरेक्ट यहाँ से प्रेस करके आप कमांड वगैरह दे सकते हो। अब यहाँ पे डेडिकेटेड हॉटकी दिया गया है जिसे नेटफ्लिक्स यूट्यूब प्राइम वीडियो हॉटस्टार के लिए, जो कि काफी अच्छा होता है, डायरेक्ट आप उस एप्लीकेशन पर स्विच कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे कीबोर्ड के लिए दिया गया है, साथ में यहाँ पे सेटिंग बटन हो गया, एंड यहाँ म्यूट वगैरह भी आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे रिमोट तो आपको अच्छा मिलता है, ये साथ में जो OS है ये भी काफी अच्छे तरीके से काम करता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैं ऐप से दूसरे ऐप में स्विच कर रहा हूँ फिर भी यहाँ पे लैग देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ भी आपको यहाँ पे सर्च करना है स्क्रॉल करना है तो ये सब बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। अब जैसे OS में एक चीज मुझे काफी अच्छा लगा, जैसे आप सेटिंग वाले आइकन में आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो टाइम दिखाई दे रहा है, स्क्रीन सेवर हो गया, इनपुट है, वाईफाई, पिक्चर एक्सेसिबिलिटी, ये सब परफेक्ट एक डायलॉग बॉक्स में आ रहा है, कुछ भी आपको यहाँ पे चेंज करना है आप इजिली कर सकते हो। एक चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा इसके एडिशनल फीचर में, इसमें आपको 5 GHz के साथ साथ यहाँ पे 2.5 GHz वाईफाई सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छा है, और यहाँ पे नॉर्मल HDMI नहीं आपको 2.1 देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे ओवरऑल इसको काफी अच्छा बना देता है। अब गाइस आपके माइंड में आ रहा होगा यार 43 इंच का TV है तो काफी ज्यादा पावर लेता होगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, 100 वाट पावर कंजम्पशन है जो हमेशा इतना नहीं लेता है, इससे कम ही लेता है, तो मुझे काफी सही लगा। अब यहाँ पे 2 साल का आपको कंप्रेहेंसिव वारंटी देखने को मिल जाता है जो कि डोर स्टेप है जो कि काफी सही है। तो फाइनली गाइस ये टीवी का आपको बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हो। तो ये टीवी तो है ही है लेकिन इसके अलावा भी आपको एक दो और मॉडल देखने मिल जाएंगे, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वहां से। और आपको कैसा लगा ये टीवी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ऐसे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दो, और माइंड में कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जाकर वहां से क्वेश्चन राइज करो, डेफिनेटली हम आंसर करेंगे। मैं आपसे मिलता हूं फिर से एक मस्त धमाकेदार वीडियो में, तो गुड बाय, हैव अ गुड डे एंड बाय। तो इस दिवाली में एक टीवी तो बनता है मेरे समझ से।